एमटीटी क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स और जीरो पॉलीनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स के संबंध में जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो पॉलीनोमियल्स है क्या। पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स पावर एन माइनस टू क्रमशः बढ़ते हुए ए वन एक्स पावर वन प्लस ए जीरो एक्स पावर जीरो। ये जनरल फॉर्म है पॉलीनोमियल्स का, जो जिसमें एक वेरिएबल है एक्स। इसमें अब हम इसको डिफाइन करते हैं वेयर फर्स्ट कंडीशन है इसका ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात ये जो कोफिशियंट है एक्स पर पावर एन का ये जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसका है ये ए जीरो ए वन ए टू एन तक ये जितने कोफिशियंट्स हैं आर रियल नंबर। ये रियल नंबर है, रियल नंबर आप समझ रहे हैं। तीसरा कंडीशन है पावर ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पर जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अर्थात पावर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अर्थात जीरो एक दो तीन क्रम से ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो पावर। और इसके बाद हम देखते हैं ये पॉजिटिव कॉल्ड ए पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, तब हम इसको कहेंगे पॉलीनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। अब ये जो है इसमें an माइनस वन मतलब x का जो के साथ जो इस टर्म में मल्टीपल है इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसको हम इसका नाम हम जान लेते हैं, इसको हम कहेंगे an माइनस वन, ये a जीरो तक ये जितने हैं इसको हम कहेंगे कोफिशियंट्स ऑफ एन। किसका कोफिशियंट है एक्स पर पावर एन का, और ए एन माइनस वन किसका कोफिशियंट है ये एक्स पर पावर माइनस एन माइनस वन का, और ये जीरो किसका कोफिशियंट है एक्स पर पावर जीरो का। तो
इस कोफिशेंट्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस टू, क्रमशः एक्स पावर जीरो, ये कोफिशेंट्स हैं। अब हम द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, और ये जो है ये संपूर्ण को हम कहेंगे टर्म, ये टर्म है। तो अब हम देखेंगे ए पावर एन एक्स पावर एन और ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ये जितने हैं ए जीरो एक्स पावर जीरो, इसको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स। अब हम इसमें जो मैक्सिमम डिग्री का है, एन जो है पावर्स मैक्सिमम डिग्री होगा, तो इसको हम कहेंगे लीडिंग टर्म, इसको क्या कहेंगे, पॉलीनोमियल्स का लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म्स, ये हो लीडिंग टर्म्स। और ये लीडिंग टर्म्स इसमें हो गया ए पावर एन एक्स पावर एन, ये लीडिंग टर्म्स हुआ, और ए पावर एन जो हुआ इसको हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट्स, लीडिंग कोएफिशिएंट्स, ये ए पावर एन, ए एन जो है ये एक्स पावर एन का कोएफिशिएंट्स, ये लीडिंग कोएफिशिएंट्स हुआ। तो इस तरह से हमने, और इसमें एक्स जो है ये वेरिएबल्स है, तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स को समझा। अब इस पर हम इस कंसेप्ट को हम देखते हैं, जो इस पर कुछ हम प्रश्न बनाते हैं, ये प्रश्न कहाँ तक आपने इसको समझा है, इसमें प्रश्न कुछ हम चेक करते हैं अपने कंसेप्ट्स को, और अपने कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ हम लेते हैं एक नंबर में सिक्स एक्स पावर माइनस दो, दूसरा हम लेते हैं वन बाय एक्स स्क्वायर, तीसरा हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, चौथा हम लेते हैं फोर एक्स स्क्वायर। अब इसमें बताना है जो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, नो, चूंकि एक्स पर पावर माइनस दो है, जबकि इसका पावर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर वन बाय एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा, तो इस कारण से ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मत का अर्थ हुआ एक्स पर पावर एक बटे टू, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब हम आते हैं फोर एक्स स्क्वायर, इसको हम देखते हैं ये एक्स पावर टू है, ये पॉलिनोमियल है। इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स को पहचाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स और जीरो पॉलिनोमियल्स। थैंक्स।